कांग्रेस के स्पोक पर्सन निजामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए केसीआर से कहा कि आखिरकार केसीआर ने ये मान ही लिया कि बीजेपी से कांग्रेस बेहतर है। इन्होंने आगे कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो जो इसकी मात निकाली थी वो सब आवाम के लिए बेहतर साबित हुई थी। केसीआर साहब ने अनजाने चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की जो आरोग्य श्री स्कीम है उस स्कीम को और केसीआर साहब के राजशेखर रेड्डी साहब के कई स्कीम्स को जो है अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आरोग्य श्री स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान स्कीम से कई ज्यादा बेहतर है। फाइनली केसीआर साहब जो है ये रियलाइज करें कि जो है कांग्रेस इज बेटर देन बीजेपी। बल्कि केसीआर साहब की तारीख ऐसी रही कि जो है जितने मरहूम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनकी ही उन्होंने तारीफ करने की कोशिश की। अगर हम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की बात करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव साहब या फिर चन्ना रेड्डी साहब, जी वेंकट स्वामी साहब, उन्होंने उन्हों की तारीफ की है, या फिर कोई कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करके टीआरएस पार्टी में गया तो उनकी तारीफ करें। केसीआर साहब आप जिंदे लोगों की भी तारीफ करिए, क्योंकि आपने दो फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट को राज्यसभा मेंबर भी दिया है और आप भी जो है कांग्रेस पार्टी से पैदा हुए और जो है दोबारा तेलंगाना के आप चीफ मिनिस्टर बने, आप जिंदा लोगों की भी तारीफ कीजिए। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी को 5 साल का मौका रहता अपना परफॉर्मेंस बताने के लिए, अपने मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कोई न्यू फाइनेंशियल ईयर की जरूरत नहीं है, आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तेलंगाना की आवाम आपके दिए हुए मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस को देखते हुए 1000 रुपए से पेंशन को बढ़ाकर डबल किया गया और 8000 रुपए से रईतु बंधु पतकम को 10000 रुपए किया गया, ये तमाम चीजों को देखते हुए आपके मैनिफेस्टो के प्रॉमिसेस को देखते हुए तेलंगाना की आवाम दोबारा आपको मौका दी। अब आप 6 महीने टाइम पूछ रहे मैनिफेस्टो के स्कीम्स को स्टार्ट करने के लिए। केसीआर साहब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2019 को अपने स्कीम्स को स्टार्ट करिए, लेकिन 11 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक जितना रहा उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पूरे एरियाज को आप अप्रैल में पे कर दीजिए। अब हम गवर्नर साहब की अगर हम असेंबली में स्पीच को देखते हैं तो गवर्नर साहब ने मिशन भगीरथा के ऊपर बात किया। 66 म्युनिसिपैलिटीज, 23,968 रूरल हैबिटेशंस में तकरीबन 18,612 हाउसहोल्ड्स को नल का कनेक्शन दिया गया और उसमें कुछ काम बाकी है, वो मार्च 2019 तक कंप्लीट होने वाला है। बल्कि बोले अगर हम 2014 से पहले जो नल के कनेक्शंस दिए गए उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट इसका डिटेल्स निकाले तो मेरे डाटा के मुताबिक 70% ऑफ टैप कनेक्शंस 2014 से पहले दिए गए, 2014 से 2018 तक जितने भी नल के कनेक्शंस दिए गए वो लेस देन 30% है। ये 30% वो 70%